क्लास, होपफुली जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम डिफरेंट पढ़ाएंगे थोड़ा सा, जितना आपने पढ़ा उसको आप याद करिए, लर्न करिए और प्लीज़ इसको, मेरी बातों को ध्यान से समझिए भी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस इसको छोड़ दिया हमें, क्या काम है इनका, क्या इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। कुछ बच्चे आउट ऑफ टॉपिक में जाके पूछते हैं, जैसे जब मैंने इलेक्ट्रिक पावर अभी नहीं पढ़ाया है तो हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में क्यों बताएंगे, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्लास से कि आप वही टॉपिक पूछिए जितना मैंने वीडियो में आपको दिया है। हो सकता है कि आप मेरे से पूछना चाह रहे हो कुछ और, तो वो हम आगे पढ़ा दें, है ना। जब मेरा, अगर मैं कह दूँ क्लास द चैप्टर इज़ ओवर, एनी क्वेरी ने इन दिस चैप्टर, तब आप मुझे बोलिए। लेकिन जब ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है, अभी चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है क्लास, तो अभी बीच में आप इंटरप्ट करके कोई मिलेगा नहीं हमको, ठीक है। तो होपफुली आप मुझे समझ रहे होंगे क्योंकि हम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं हर एक चीज़ के डाउट्स क्लियर करूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई अगर एक्स्ट्रा भी पूछेगा तो मैं एक्स्ट्रा भी लेक्चर में दे दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये समझना है कि अभी क्या टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। डेट आप आज की मेंशन कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, किस तरीके से रेसिस्टर्स को रखे जाते हैं। दो तरीके कनेक्शंस हैं, मतलब कि सर्किट हम लोग बनाना जान, सर्किट हमने बनाया, जैसे सर्किट बनता है इस तरीके से, अमीटर लगता है, बैटरी लगती है, वोल्ट मीटर लगता है, की लगती है, करंट फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब उसमें रेसिस्टर्स किस तरीके से कनेक्ट किए जाएँ। रेसिस्टर्स बनाने का मैंने आपको मेथड बता दिया था, आपने सारे पढ़े होंगे। एमीटर को इससे डिनोट करते हैं, वी हमने आपको कहा सिंबल्स बनाने के लिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप सब लोगों ने बनाया होगा। तो रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड द नेक्स्ट रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज हम आगे पढ़ते हैं क्लास। देखिए सीरीज में जैसे हमने क्या कहा कि बच्चों को लाइन से लगा दिया हमने, पैरेलल की बात नहीं कर रहे, लाइन से लगा दिया, एक सर्किल बना रहे हम, सबके सब सीरीज़ में लगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबके हाथ हमें पकड़ा दिए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो ये सीरीज़ कहते हैं इसको। जैसे सीरीज़ में ये लगा दिया हमने, देख सकते हैं आप, देखिए सीरीज़ में हमने ये रेसिस्टेंस लगा दिया R1 R2 R3, इसमें एक हमने वोल्ट मीटर V लगा दिया, XY पॉइंट ले लिया, अमीटर A, और ये बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी, की देखिए क्लोज की है, अगर ओपन होती तो इसमें बीच में बिंदी नहीं लगाते हम लोग, ठीक है, लगा दिए। लेकिन एक इन दिस केस, सीरीज़ के केस और पैरेलल के केस में यही डिफरेंस है कि सीरीज़ के केस में वोल्टेज हमारी डिफरेंट होगी हर जगह। इधर को जैसे मान लीजिए टोटल, जैसे आपकी मान लीजिए 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट में 2 इधर चली गई, 3 इधर चली गई और 1 इधर चली गई, ठीक है, 1 2 3 इधर चली गई, 3 2 1 कुछ भी, 1.5 1.5 है ना, और 3 तो कुछ भी जा सकता है वो। तो इस केस में देखिए आपकी क्या है कि ये उसको क्या कहते हैं हम लोग कि ये हमारी इस किस में कनेक्टेड है, ये वी हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे कि ये वी यहाँ पे, हमने एक और डायग्राम बनाया है कि इसका V1 है, इसका V2, इसका V3, लेकिन इफ करंट इज सेम, देखिए करंट फ्लो करेगी आई करंट फ्लो करी, ये देख रहे हैं जो R1 में जाएगी वही R2 में भी जाएगी, वही R3 में, कोई भी इसका रोड इसकी डाइवर्ट नहीं है, कोई भी रास्ता इसका डाइवर्ट, रूट इसका डाइवर्ट नहीं है, सीधे जा रहे हैं ये, तो ये सीधे ही जाएगी करंट, कहीं भी यहाँ पे भी रेसिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है जिसके कारण ये बैक करंट यहाँ जाए। यहाँ पे सारे रेसिस्टेंस की हम बात करें, रेसिस्टेंस का क्या कनेक्टेड हो गया, R1 R2 R3 तीनों में क्या होगी, करंट। यानी दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि करंट आर सेम बट वोल्टेज आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये इसमें बता सकते हैं इन सीरीज के केस में, देखिए V1 V2 V3 देखिए लेट द रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज एंड द करेंट I इज फ्लोइंग थ्रू देम, करेंट I इसमें फ्लो कर रही थ्रूइंग देम, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेसिस्टेंस आर V1 V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली फॉर द बाई यूजिंग ओम्स लॉ AB। जैसे हम अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा किसी को सीरीज में, जैसे मैंने कोई तीन दोस्त ले लिए, तीन फ्रेंड्स ले लिए, उनको तीनों को लाइन से लगा दिया, खड़ा कर दिया हमने,
तीनों को लाइन अगर हमने जितना करंट हम पहली ऐसे ए बी सी तीन फ्रेंड्स हैं, जितना करंट हम ए को देंगे वही करंट बी को भी लगेगा, वही करंट सी को भी लगेगा ना। दैट इज़ द सेम करंट सेम आए क्लियर, बट द वोल्टेज आर डिफरेंट। वोल्टेज क्यों डिफरेंट? अब हम तीन हैं हमारे पास, जैसे हमारे घर में ही जो कनेक्शंस हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने वोल्टेज आपके एसी लेता है उतनी ही वोल्टेज आपकी फ़ैन भी लेता हो, ऐसा ज़रूरी है नहीं ना। तो वोल्टेज आर डिफरेंट बट द करंट प्रोवाइडेड इन सेम, क्लियर। तो इसी केस को देखते हुए बेटा ये आगे बढ़ते हैं हम लोग बाय यूजिंग ओम्स लॉ इन ए बी के केस में। देखिए ए बी में हमने दिखाया आर वन रेजिस्टेंस है, करंट आई फ्लो हो रही है, वी वन वोल्टेज है। बाय ओम्स लॉ फॉर ए बी वी वन इज इक्वल टू आई आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ये समझ रहे हैं ना। बी इज इक्वल टू आई आर फॉर सी डी वी टू इज इक्वल टू आई इंटू आर टू राइट। वी थ्री इज इक्वल टू आई इंटू आर थ्री, दिख गया सबको समझ में आ रही बात हमारी। तो ये इस तरीके से हम लोग लिखा जा सकता है, इक्वेशन वन टू थ्री लिख लिया हमने। अब आगे देखिए इसमें आगे क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज़ वी। तो टोटल पोटेंशियल में बताया था ना कितना है, वी है, यानी वी वन वी टू वन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री कॉम्बिनेशन है किसका, वी का। वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इक्वेशन नंबर फोर। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन टू थ्री इन इक्वेशन नंबर फोर, वन टू थ्री में वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू निकली थी बेटा ना, ये सब कहाँ रखेंगे जाके, फोर में। आई आर वन वी वन की जगह पे आई आर टू आई आर थ्री, आई कॉमन ले लिया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर वन आर टू आर थ्री इज आर, देन फ्रॉम द डेफिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक, इक्विवेलेंट टोटल में टोटल करंट कितनी है, आई जा रही है, टोटल करंट आई जा रही है, टोटल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, आर लिया गया हमने, और वी वोल्टेज है, तो यानी कि क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू आई, इसकी जो कैरेक्टर में आई आर रख दिया बेटा, देखो आई से आई कैंसिल हो गया, दैट इज आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्या लिखा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ दीज रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस, जरूरी नहीं तीन ही कनेक्टेड हो सकता है इसमें बहुत सारे हों। इसको ये भी लिखा है आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस एंड सो ऑन आर एन भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे जरूरी नहीं ना इतने ही हो। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल किसके इक्वल है, इक्वल किसके इक्वल है, द सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस। क्लियर क्लास, सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, क्लियर है सबको ना। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग इतना क्लियर है क्लास, ये हो गया। इस पर न्यूमेरिकल देखने से पहले एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि एक चीज़ किसी बच्चे ने हमसे एक बार कुछ पूछा था, इलेक्ट्रिक कंडक्टर मैम क्या होता है। तो हमने उसे कहा था कि एनसीईआरटी में, उसे मेरे को चित्रा में मैम है, तो मैंने उसे यही कहा था कि तुम जाके चित्रा पढ़ लो। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उसने लिखा था उस टाइम, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हम आपको बता दें कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में जैसे बता सकते, कुछ लड़कियों ने हमसे सेमी कंडक्टर के बारे में बोला था, तो मैंने कहा आज हम एक वीडियो बना रहे हैं तो उसमें हम ये चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर कर सकते हैं कि वो क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर जैसे जिसमें भी करेंट फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली मूवमेंट कर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसमें ईजिली मूवमेंट करते हैं, कॉपर के वायर्स यूज़ होते हैं, एलमुनियम होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन दैट इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। क्लियर, कुछ लड़कियां हमको पर्सनल मैसेज भी करी थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अदरवाइज़ वैसे हमारा मोटो आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर करने का है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितना मैं ऑडियो में बता रही हूँ या वीडियो में बता रही हूँ उसको प्लीज़ समझिए क्लियर। तो अभी मैं क्या बता रही थी कि कंडक्टर के लिए मैंने बता रही है जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली कैन मूवमेंट फ्रॉम फ्रीली मूवमेंट दे करेंट पास वेरी इजीली, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ये होता है जिसमें इजीली करेंट, जैसे मैंने बताया कॉपर आयरन और सिल्वर के हम लोग एलमुनियम के वायर्स ले सकते हैं, जिसमें बहुत ईजिली कंडक्टर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो सब कंडक्टर्स हैं। लेकिन
इंसुलेटर्स क्या होते हैं, एक इंसुलेटर वर्ड भी आप सुनेंगे, इंसुलेटर होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करती. फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, प्लास्टिक, इन सब में कभी भी करंट फ्लो नहीं करती है. दैट फ्री ना के बराबर कहें या ना ही कहें हम लोग, तो दे आर वेरी नेग्लिजिबल, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर. अब बात आती है सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंडक्टर से, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से इंसुलेटर थोड़ी कम होती है. पर कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि इतनी है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, जैसे कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है उसमें थोड़ी सी कम, कंडक्टर में थोड़ी सी कम और इंसुलेटर थोड़ी सी ज़्यादा कहें, तो दैट इज कॉल्ड द इन सेमी कंडक्टर. जैसे कि ये यूज़ करते हैं हम लोग, हाँ या टेलीविजन्स में जर्मेनियम सिलिकन के जो वायर्स लगते हैं पीछे की तरफ, ट्रांजिस्टर्स लगते हैं जिससे यूज़ होता है, दैट इज़ द सेमी कंडक्टर. इसको सेमी कंडक्टर कहा जाता है. तो अब जिन बच्चों ने मुझसे क्वेरी की थी, किसी ने सेमी कंडक्टर, किसी ने, तो मैं आपको बता दूं, जिस लड़की ने मेरे को पूछा था इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस लिखा था, तो नॉट दिस इज़ नॉट अ कंडक्टेंस, दिस इज़ अ कंडक्टर. कंडक्टर बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स. क्लियर? वो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया, दैट इज़ द रीज़न कि इसको इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर. अभी क्लियर हुए मेरे ख्याल से कि आप किसी को कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए. और आप लोग भी, हमने आपसे बार बार बोला है कि वही क्वेरी करिए जो हम जितना वीडियो में आपको भेज रहे हैं. क्लियर? हमारा है कि हम आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करें, ठीक, हमारा मोटो यही है कि हम आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करें. तो उसके लिए आपको थोड़ा कॉपरेट करना होगा. तो आप मेरे साथ कॉपरेट तभी करेंगे जब आप मेरा वीडियो पूरा फुल देखेंगे. आप मेरा वीडियो देखे बिना, हो सकता है कि ये मैं आगे आज बता भी देती, लेकिन बच्चों ने पहले ही पूछ लिया था जिसकी वजह से मैंने कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एक बच्ची से. तो एनीवेज जो भी है सो है, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अब ध्यान से सुनिए और अब कीजिएगा, ठीक है. तो आप लोग को मैं बता दूं कि ड्रॉ आ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells ऑफ 2 volts ईच, अ 5 ohm रेजिस्टेंस एंड एन 8 ohm रेजिस्टेंस एंड 12 ohm रेजिस्टेंस एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. सबको सीरीज़ में उन्होंने बोल दिया है, किसको 5, 8 and 12 को, किसमें क्या लगाना है, 2 volt 2 volt 2 volt सब में 2 volt की बैटरी वोल्ट, तो सबसे 2 volt का हमने बैटरी लगा दिया गया है, बैटरी कंडक्टेड है, वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, वोल्टेज कन लगा दिया गया, वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, की लगा दी गई है, करंट फ्लो रही पॉजिटिव टू नेगेटिव, R1, R2, R3, पोटेंशियल डिफरेंस 1 cell का 2 volt है, तो टोटल कितना होगा 3 cells का 6 होगा. टोटल कितना आ गया क्लास, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम सर्किट पे बना सकते हैं 6 volt हम बना सकते हैं, राइट, 6 हो गया. ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा, तो R = R1 + R2 + R3, 5 + 8 + 12 दैट इज़ इक्वल्स 25, यानी V = IR, I = V/R, I = V/R, V की वैल्यू कितनी है बेटा 6 volt और R की है 25, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स 0.24 एम्पियर. क्लियर है क्लास, इतना सबको क्लियर है आराम से. तो अब हम आप समझ सकते हैं, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी हम पूछिएगा, अभी हम क्वेरी टाइम रखेंगे तो अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप लोग. क्लियर? हेडिंग इज, साइड हेडिंग इज रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. अभी हमने सीरीज़ में कनेक्टेड का पढ़ा, अब हम पैरेलल में कर रहे हैं. रेसिस्टर्स हमारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. दैट मीन्स R1, R2, R3 और किससे कनेक्टेड है, वी वोल्ट हमने लगा दिया है. और पैरेलल की कंडीशन आप खुद समझेंगे. देखिए, आई करंट यहाँ से आई, आई यहाँ से आ गई, आई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई 3 parts में, I1, I2 और I3. अब मैंने तीन दोस्तों को एस सीरीज़ में जब थे तो मैंने आपको बताया था, हमने ऐसे कनेक्ट किया था ये तीनों को, राइट, ABC को. अब हमने तीनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक यहाँ है, तीन दोस्त आगे पीछे हैं, पहले बगल बगल में थे, अब आगे पीछे हैं, एक के आगे एक है. तो यहाँ से एक करंट कॉमन जा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी करंट ये भी मिले, इसको भी मिले, इसको भी मिले और इसको भी मिले, ठीक है, तो तीनों को ज़रूरी नहीं है ना. तो इसलिए क्या, I1, I2, I3 करंट्स हुई, वोल्टेज V,
वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी तीनों में। देखिए आर 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 वन आर टू आर थ्री तीनों में क्या होगी, वी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होने के कोई चांसेस नहीं है। दैट मीन्स इन पैरेलल कंडक्ट, इन पैरेलल कनेक्शन करेंट आर डिफरेंट बट वोल्टेज आर सेम। क्लियर? तो ये अभी आप लिख सकते हैं इसको, तो V हो गया ये I, करंट I इधर से। अब इसके बाद देखिए हमने I1, I2, I3 डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बैटरी कनेक्टेड है, ये करंट फ्लो कर रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रही है। लेट द रेसिस्टर्स R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द करंट I1, I2 एंड I3 आर फ्लोइंग थ्रू दीज रेसिस्टेंस। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टेंस इज V, I1, I2 are different currents hai and the potential difference are same in each resistors, by using Ohm's law V is equals to IR for AB, AB ke baat kare, for AB, AB mein aayega ye CD hai, ye this is AB, for AB mein hamari aayi V is equals to I1 into R1, I1 V upon R1, for CD V to V is equals to I2 into R2, I2 is equals to V upon R2. Clear? And for EF V is equals to I3 into R3, that means I3 is equal to V upon R3. Equation number third. Adding equation 1, 2 and 3, तीनों को add कर दिया. Left hand side को add किया, देखिए I1 plus I2 plus I3 is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon the V common ले लिया, V is common, तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, the total current I flowing in the circuit I, total current कितनी निकली थी यहाँ से, देखिए I निकली थी ना, यहाँ से कितनी निकली थी, I निकली थी, वो आगे जाके distribute हुई, तो I is equals to I1 plus I2 plus I3, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, I is equals to V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, if the equivalent resistance between the points X and Y by R, by using Ohm's law V is equals to IR, I is equals to V by R is equals to V, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, V cancel out ho gaya, 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये सिर्फ तीन की बात नहीं है, ये N connections भी हो सकते हैं, जैसे मैंने भी सीरीज में बताया, वैसे हम इसमें भी बता सकते हैं कि इसमें कितने connections, N connections हो सकते हैं, जरूरी नहीं resistance हमारे तीन ही लगे हों, हमने पहले भी बोला था, और एन कनेक्शंस पैरेलल में, पैरेलल कंडीशन में, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे बनाए सर्किट, फिर ऐसे बनाया हुआ देख रहे हैं आप लोग, फिर ऐसे बनाया, इसी तरीके से एन एन रेसिस्टर्स हमारे कनेक्टेड है। क्लियर? ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस हमने ऐसे ही लिखा है, आप लोग बस इतना समझ लीजिए। क्लियर? तो इसका क्या मतलब, हैंस द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन द पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टेंस। मतलब क्या है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके इक्वल, रेसिप्रोकल के इक्वल है ऑफ कनेक्टेड पैरेलल, वो किसके, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, सम ऑफ द, देखिए उसके भी रेसिप्रोकल के, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के। क्लियर? इक्विवेलेंट का भी रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, सम ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग का जो हमारा था उसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। क्लियर है ना? तो ये कभी कभी क्या होता है, प्रूव दैट लास्ट का स्टेटमेंट देता है, तो आपको इसे समझना पड़ेगा कि ये आपको सीरीज का निकालना है कि पार्लर का, सेम एज यहाँ पे भी कभी कभी लास्ट का ही क्वेश्चन देगा, ये बोल देता है प्रूव दैट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिस्टेंस। तो आपको पता लगाना है कि सीरीज वाला में करना है कि पार्लर वाला प्रूफ करना है। एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी के लिए नहीं, क्लास इलेवेंथ में भी बहुत काम है, ट्वेल्थ में भी बहुत काम का है इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक, और इससे एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग को बहुत अच्छे से करनी है। क्लियर? कोई डाउट है तो आप हमसे पूछेंगे अभी। ठीक, अब नेक्स्ट इसके लिए हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्लास देखिए, इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेसिस्टर्स आर वन आर टू आर थ्री आर कनेक्टेड वैल्यूज जो है 5, 10 and 30 ओम रिस्पेक्टिव, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर आर टू आई आर वन आर टू आर थ्री 5, 10 and 30 सबको कनेक्ट कर दिया है, क्या निकल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला है, 1 upon R इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 1 upon R3, 1 upon 5 1 upon 10 1 upon 30 30 इज LCM 6 3 1
टेन अपॉन थ्री दैट मीन्स वन अपॉन थ्री, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन बाई थ्री लिखते हैं, ये लिखिएगा नहीं आप लोग प्लीज़, आर इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ओम आंसर दिस इज रॉन्ग, इसको ध्यान रखिएगा, इसको रेसिप्रोकल करना बहुत ज़रूरी है, तो आर इज इक्वल टू इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स थ्री ओम, क्लियर, तो ये इसका आंसर है, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स भी, देखिए क्लास, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, जो हमने सबसे पहले कराया था, ये सब एनसीईआरटी का है, ये दोनों एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर वन में जो कराया था, इस क्वेश्चन नंबर वन के अकॉर्डिंग चलना है, पुटिंग एन द मीटर टू द मेजर द करेंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर, वॉट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी कि हमें वोल्ट मीटर का और अमीटर का हमें रीडिंग भी बताना है, अमीटर तो करेंट है, करंट तो सेम फ्लो हो रही है ना बेटा, और सिर्फ 12 ओम पे रेसिस्टेंस वोल्टेज बतानी, हमें टोटल वोल्टेज पता थी कितनी, टोटल वोल्टेज पता थी हमको कि वो तुम्हारी 6 वोल्ट थी, लेकिन अब हमें इंडिविजुअल बताना है, देखिए कैसे, रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट आर इज इक्वल टू 5 + 8 + 12 सीरीज में था तो 25 ओम, बाई यूजिंग ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी की वैल्यू है 6 और ये तो 0.24 एम्पियर, तो करंट निकल गई थी हमारी उसी दिन, पीछे से निकल गई इतनी, देखिए निकल गई ना, अब इसके आगे देखिए, करंट थ्रोइंग द 12 ओम रेसिस्टेंस, अब सिर्फ 12 ओम रेसिस्टेंस में भी इतनी ही जाएगी, 12 में भी इतनी जाएगी, 5 में भी इतनी जाएगी, 8 में भी इतनी जाएगी, 0.24 ही जाएगी एम्पियर, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर, V1 क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसका वोल्टेज तो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, इसका वोल्टेज डिफरेंट है, और इसकी करंट कितनी गई यहाँ पर, V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि 0.424 इंटू 12 इज इक्वल 2.28 वोल्ट, उस केस में फर्स्ट क्वेश्चन में आपके में लिखा था 2 वोल्ट ईच में है, राइट, इक्वल था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ 6 वोल्ट का कहीं नाम नहीं है, तो इसलिए इसके लिए सब में इसका मतलब ये हर केस में अलग अलग वोल्टेज रहेगी, तो आपने V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर हमें निकालना किसका था, सिर्फ 12 ओम का निकाला था, 5 ना 8 किसी का नहीं निकाला था, आप निकाल सकते हैं घर पे प्रैक्टिस के लिए, 0.24 इंटू 12 दैट मीन्स 2.88 वोल्ट, द रीडिंग ऑफ द मीटर विल बी 0.24 एंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 2.88 वोल्ट, क्लियर, सभी को क्लियर है ना, अब इसको आप लोग करिए, उसके बाद हम आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्लास देखिए, ये भी एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 216, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि ये, क्योंकि कई लोगों के पास बुक नहीं है, तो ये देखिए क्लास, जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओम एंड 10^6 ओम, 1 ओम 10^3 10^6, तो इसको हमने सॉल्व किया है कि अगर दो रेजिस्टर्स दिए गए हैं आपको तो कनेक्टेड इन पैरेलल में ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो फॉर्मूला आप भी बताएंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, क्लियर, तो व्हेन द 1 ओम एंड 10^6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखिए 1/R इज इक्वल 1/1 + 1/10^6, 10^6 कॉमन, 10^6 प्लस 1 दैट मीन्स 10^6 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दिया हमें, 10^6 अपॉन 10^6 प्लस 1 दैट इज़ ऑल बी ई अप्रॉक्सीमेटली 10^6 में अगर हम 1 प्लस करेंगे इस ना के बराबर है, दैट मीन्स दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 10^6 द होल डिवाइडेड दिस इज इक्वल्स टू 1 ओम, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओम, स्टार्ट क्लियर क्लास, अब आगे देखिए इसमें क्या है, तीनों को कनेक्ट करना है पार्लर में, यानी कि 1/1 + 1/10^3 + 1/10^6, देखिए 1 हमें बताया ना, ये सीखिए ये कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 1 है नीचे, इसका मतलब 10^6 10^6 + 10^3 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10^2 6 ही आएगा, इसको हमने उल्टा कर दिया 10^6 और इसको प्लस करेंगे बेटा तो ये 10, इसको करेंगे 10^6 10^3 और 1 को प्लस करेंगे तो आपको यही मिलेगा 10,01,001 मिलेगा, दिस इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.999 ओम, क्लियर, इक्वल रेसिस्टेंस इज 0.999 ओम और 1 ओम, कैसे 1 ओम भी कहा जा सकता है,
देखिए क्लास, ये पूरा इसलिए न्यूमेरिकल हमने एकदम सॉल्व करके दिखाया आपको, ताकि आपको किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम ना हो। घर पे बैठ के आप इसको सिर्फ समझेंगे हमारे से, लेकिन जब इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे तो बिना देखे करेंगे, आप खुद सॉल्व करके करेंगे, ठीक है। हमने इसलिए किया कि आज हमने बोला है कल आपकी प्रॉब्लम आ सकती थी ये न्यूमेरिकल्स की, तो हमने सोचा कि हम पहले एक वीडियो बना के आपको भेज देते हैं, उसके बाद हम कुछ एक अलग से क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए सॉल्व। लेकिन पहले यहाँ तक के नोट्स आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, इसके डेरिवेशन आप कर लेने चाहिए, इसका न्यूमेरिकल आप करेंगे बिना देखे करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं बिना देखे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद सोल्यूशन अपने आप करिएगा। जहाँ अटकेंगे सोल्यूशन पे, वहाँ आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा या इसका सोल्यूशन का हम फोटो भेजेंगे वो देख लीजिएगा, क्लियर। देखिए आगे, हाउ कैन थ्री रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस टू ओम थ्री ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। देखिए कैसे थ्री रेसिस्टेंसेस को 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम भी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा कितना, इसको किस तरीके से कनेक्ट किया गया है, तीन बच्चों को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि 4 ओम का रेसिस्टेंस मिल जाए, राइट। वही चीज़ यहाँ पे भी, तीन रेसिस्टेंस है हमारे पास, किस तरीके से कनेक्ट करें, मैं 2 को पैरेलल करें, 2 को सीरीज करें, 1 को पैरेलल करें, मतलब कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए देखिए एक में हमें चाहिए 4 ओम, दूसरे में चाहिए 1 ओम। तो इसके लिए आपको देखिए, हमने कोई यहाँ पे याद करके नहीं रखा था कि ऐसे ही कनेक्शन करना है, आप खुद कर सकते हैं इसको। पहले आप रफ वे से सॉल्व कर रहे हैं, रफ में सॉल्व कर रहे हैं, आपने देखा कि ये नोट नहीं करेंगे आप लोग, प्लीज़ हम इसको रफ में हम खुद ही लिखेंगे ताकि आप इसको नोट ना करें, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। देखिए 2 ओम को हमने कनेक्ट किया, 2 ओम को कनेक्ट कर दिया और 3 ओम को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक हमने 6 ओम ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 6 ले लिया हमने, 2, 3, 6 ले लिया हमने, 2 को पैरेलल कर दिया, 1 को सीरीज कर दिया। तो देखिए दोनों पैरेलल है तो 1/3 प्लस 1/2 होगा, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 3 × 2 = 6 और ये हो गया 5/6, दैट मीन्स आर की वैल्यू हो गई 6/5 और इसमें अगर 6 हम प्लस करेंगे क्या ये कभी 4 की इक्वल आएगा, नहीं आएगा, इसलिए गलत है, 4 की इक्वल नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया कनेक्शन। इसका मतलब ऐसे नहीं कनेक्ट करेंगे, ना हमें 4 मिला ना 1 मिल रहा, हम दोनों से लेके चल रहे हैं कि कोई भी पहले सॉल्व हो जाए हमारा, ठीक है। 2 को हमने क्या कर दिया, सीरीज़ किया, 2 को पैरेलल किया, 1 को सीरीज़ किया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि 1 को सीरीज़ कर देते हैं और 2 को पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये 6 कर दिया, ये 3 कर दिया, ये 2 कर दिया, 6 और 3 है ये, 1/6 प्लस 1/3, दैट मीन्स 1/6 प्लस 1/3, 6 एलसीएम तो कितना आ गया, देखिए 1 प्लस 2 यानी कि 3/6, दैट मीन्स 2 ओम मिल गया हमको इसका, 2 प्लस 2 यानी कि 4। देखिए 6 और 3 को हमने पैरेलल किया था और 2 को ये अपनी तरफ से किया, अब तीनों को पैरेलल कर देंगे जब, देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 ओम। देखिए देख रहे हैं सब बच्चे, तो आपको इस तरह से हमने कुछ याद नहीं करके रखा था, हमने इसको किया है, गैस नहीं किया हमने कुछ, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था रफ में, उसके बाद लिखा है R1 मान लिए, R2 ये मान लिए बेटा, दिस इज R"। R" का मीनिंग अभी हम बता देंगे कि क्यों होगा ये, 1/R' = 1/R1 + 1/R2 1/R' = 1/6 + 1/3, दैट इज 6 1 + 2, 1/R' = 3/6, R' = 6/3, दैट इज 2 ओम, R" = 2 ओम, दैट इज R = R' + R", दैट इज 2 ओम + 2 ओम, दैट इज 4 ओम। इज दैट क्लियर क्लास, क्लियर क्लास। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये 4 ओम कैसे आया, समझ में आई ना बात। इसी तरीके से हमें देखो तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, हम देखेंगे तीनों को जब पैरेलल करेंगे, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, दैट इज 6 इज एलसीएम, 1 + 2 + 3, द 6/6, दैट इज 1 ओम, क्लियर। आगे देखिए क्लास, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल्स 4, 8, 12 एंड 24। देखिए ये हम आपको बता दें कि लोएस्ट कब आएगा, जब हम किसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, हाईएस्ट कब मिलेगा, सबका सम कर देंगे, राइट। तो जब सबका सम करेंगे, दैट इज वी आर द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज,
और जब हमें लोएस्ट का मिलेगा देवेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल. सो वी कैन से दैट इफ द कॉयल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट गिवन बाय द सम आर इज इक्वल टू 4+8+12+24 दैट इज इक्वल टू 48 ओम. आर इज इक्वल टू 48 ओम. If these coils are connected in a parallel, then the equivalent resistance will be the lowest given that given 1 upon R is equal to 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24, that is 24 will be the LCM. 6 आएगा 6 plus 3 plus 2 plus 1 इससे आया LCM लेना आपको आता है 12 by 24, that is equal to 2. 2 is 2 greater or 48? R is greater, यानि R is equal to 48 is greater. Clear? होपफुली जिन बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स भी थे वो मैंने क्लियर किए. अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमको क्वेरी टाइम क्वेरी में आस्क की पूछिए हमसे. प्लीज़ आस्क इन क्वेरी टाइम. और अगर कोई तभी नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगी ज़रूर. लेकिन आप लोग जो आउट ऑफ टॉपिक आज के जैसे आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है, आज मैंने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर वो पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा वो ख़राब लगता है. ठीक है क्लास, तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को कुछ कहने का या कहने का कि हमें आपको मैं बताऊंगी नहीं या जाके किसी से पढ़ लो, क्योंकि मैं खुद बताऊंगी सब कुछ. मैं खुद चाहती हूँ कि हमारे बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट बने, तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बने ताकि वो लोग कुछ डिफरेंट डेवलप कर सकें. क्लियर क्लास, तो होपफुली आप लोग समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछिए. अगर मिस टाइम बताएंगे ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपके हम सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे क्लास.